क्लासेस आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 9 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसको समराइज करेंगे, आज तक आपने क्या सीखा है इसको एट ए ग्लांस हम एक दृष्टि डालते हैं कि इसको शॉर्टकट में हम क्या सीखे हैं। इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम इसकी शुरुआत जो है वर्कशीट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के वर्कशीट से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में हमने पढ़ा था बताते समय शुरुआत करते समय कि व्हाट इज ए फोर्स, फोर्स क्या है, तो द पुल पुल आर फोर्स, फोर्स है पुल आर पुश इज कॉल्ड फोर्स, पुल आर पुश ही हमारा क्या है फोर्स है, पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स। अब इसमें हम पढ़े फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट क्या हो क्या होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये कैसे होती है, यहाँ लिखा है यूनिट ऑफ द किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन, ये कैसे आया है इसको भी हम दिखा देते हैं शॉर्टकट में। फोर्स एफ बराबर होता है एम इंटू ए मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, ए का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया है न्यूटन। तो ये फोर्स, फोर्स की यूनिट फोर्स हम देखे, और हमने क्या सीखा था इस चैप्टर में बैलेंस फोर्स क्या है, जिसके ऐसे बहुत सारे फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाले जिनका रिजल्टेंट जीरो आता है बैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स क्या है, जिनके रिजल्टेंट जीरो नहीं आते हैं, जो इफेक्टिव होते हैं वो जो है अनबैलेंस फोर्स कहलाते हैं। जैसे कि इस फिगर में देखो यहाँ दिखाया गया दो आदमी एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक इधर पुल कर रहा है एक इधर पुल कर रहा है, तो यह अनबैलेंस फोर्स है, यह जो है जो ताकतवर है वो खींच लेगा, वह एक गिर जाएगा एक एक खींच लेगा, तो यह जो है अनबैलेंस फोर्स यहाँ दिखाई दे रहा है जैसा कि फिगर में हम देख रहे हैं। बैलेंस फोर्स में, फोर्स में जैसे यहाँ देखो दोनों इक्वल फोर्स लगाते हैं बैलेंस है, किसी मूवमेंट नहीं होगा बैलेंस फोर्स है, अगर कोई बस मूव करती है उसको इस पर लगने वाला फोर्स अनबैलेंस फोर्स है। तो अनबैलेंस फोर्स जिनके रिजल्टेंट जीरो नहीं होते हैं, बैलेंस का मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट जीरो में है। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन क्या है अब हम देखेंगे, फोर्स लॉ एंड मोशन, फोर्स लॉ एंड मोशन क्या है। तो इसमें हम पढ़े थे तीन न्यूटन के तीन फोर्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ, क्या हम पढ़े थे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम कहेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया भी, एनी ऑब्जेक्ट रिमेन द स्टेट ऑफ द रेस्ट आर इन यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड एज ए चेंज ऑफ स्टेट बाय द अप्लाइड फोर्स, या कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, यही लॉ ऑफ मोशन है, इसको कहेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया भी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में इज ए प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, इसको सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहेंगे, या तो अथवा हम इसको एफ बराबर इंटू फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, ये हमारा जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, या एफ बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसी को हम एफ बराबर एम इंटू ये दिखाया गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इवर रिएक्शन धीरे धीरे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हमने ये भी पढ़ा था। तो न्यूटन के हम तीन नियम पढ़े थे, एक फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, थर्ड लॉ इवर रिएक्शन दे रहे जो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर रिएक्शन के अगेंस्ट एक रिएक्शन के अगेंस्ट एक इक्वल एंड रिएक्शन होता है। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम है, मोमेंटम है पी को लिखा गया है, तो पी बराबर मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, मोमेंटम के संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होता है बिफोर कोलाइजन और आफ्टर कोलाइजन मोमेंटम का सम इक्वल होता है, जैसे यहाँ लिखा है फार्मूला दिखाए थे M1A1 या M AB, जैसे दो ऑब्जेक्ट यहाँ ए भी दिया है हमने, ए जैसे ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं, ए और बी दो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे पर फोर्स लगाते, ये M1 इधर है या MB इधर मोशन कर रहा है, U1 और U2 स्पीड है इनिशियल,
टकराने के बाद कोलाइजन के बाद V1 V2 हो जाता है, तो इनके फार्मूला हो जाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन से MA UA प्लस MB VB बराबर MA VA प्लस MA, या हमने सिंपल रूप से लिखा था M1 U1, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो हमने फार्मूला लिखा है M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन, ठीक है। तो ये तो पुस्तक की भाषा में हो गई थी, हमने इसे दिखाया था। इसमें जो ये चेक हमारे जो क्वेश्चन इसमें आए हैं इनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा हम इसका और बैकग्राउंड दिखा देते हैं, इनके एप्लीकेशन ऑफ दी न्यूटन्स लॉ के क्या क्या एप्लीकेशन है। फर्स्ट लॉ पढ़ लिए, सेकंड लॉ पढ़ लिए, थर्ड लॉ पढ़ लिए, अब इनके एप्लीकेशन क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट रहना चाहती है, मोशन में तो मोशन में रहना चाहती है। तो इसके बहुत सारे दैनिक जीवन में डेली लाइफ में हमारे जो है इसका एप्लीकेशन, जैसे कोई बस यात्री बस में अचानक बस के चलती है तो हम पीछे गिर जाते हैं, अचानक ब्रेक लगता है आगे गिरते हैं, क्यों है ना। बस या ट्रेन एक्सीलरेटेड वी टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड, दस मेंटेनिंग क्यों मेंटेनिंग द लॉ ऑफ इनर्शिया, हम ऐसा क्यों करते हैं। अचानक बस ब्रेक लेता है तो हम कहाँ गिरेंगे, आगे की तरफ, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम हमारा शरीर लॉ ऑफ इनर्शिया का पालन करना चाहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया को मेंटेन करना चाहता है। बस में ब्रेक लगता है तो हमारे शरीर में तो ब्रेक नहीं लगा नहीं, हमारा शरीर जो है बस के संपर्क में है वो तो तुरंत रुक जाता है, बस के साथ साथ रुक जाता है, ऊपरी शरीर ड्यू टू इनर्शिया मोशन के इनर्शिया के कारण आगे चलता रहता है, हम आगे गिर जाते हैं। ऐसे ही अगर बस अचानक एक्सीलरेट हो, अचानक तेज स्पीड हो, तो हमारा शरीर जो संपर्क भाग नीचे का है वो तो तेज हो जाएगा, स्पीड ले लेगा, ऊपर का भाग ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द रेस्ट के वजह से अपने जगह पर रेस्ट रहेगा, वो पीछे की तरफ गिर जाएगा। तो ये इसके यूज ऑफ डेली जीवन में यूज है। और है डस्ट कम आउट ऑफ ए कारपेट, पूछता है ये सारे क्वेश्चन भी है कि व्हाई गिव द रीजन डस्ट कम आउट ऑफ ए कारपेट व्हेन बीटन विद स्टिक, किसी कारपेट को डंडे से पीटने से डस्ट बाहर आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि डस्ट जो है रेस्ट में रहते हैं, जो ही हम डंडे से पीटते हैं कारपेट को, कारपेट में वाइब्रेशन होता है, वो आगे बढ़ जाता है, और ड्यू टू इनर्शिया डस्ट अपने जगह पर आते हैं और वो कंबल का साथ छोड़ देते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो इस सभी के जवाब में आना चाहिए ड्यू टू इनर्शिया या ड्यू टू इनर्शिया। एक और एग्जाम्पल देखें, इट इज़ एडवांटेज टू गेटिंग डाउन फ्रॉम मूविंग बस। हाँ, आप देखे होंगे मूविंग बस में सलाह दी जाती है कि बस के चलती हुए बस से उतरने के लिए या ट्रेन से उतरने के लिए बस या ट्रेन के डायरेक्शन में ही उतरना चाहिए, उधर ही थोड़ा सा स्पीड अपना बढ़ा करके उतरते हुए हम चलना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे शरीर में मोमेंटम होता है, बस का मोमेंट इनर्शिया ऑफ द मोशन होता है, बस में जब हम बैठे रहते हैं हमारे शरीर में इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, जो ही हम बस से गेट डाउन होते हुए उतरते हैं तो हमारे शरीर में इनर्शिया ऑफ मोशन रहता है, हम जमीन में पैर रखते ही अगर रुक जाए तो हम आगे गिर जाएंगे, तो हम इसलिए आगे के डायरेक्शन में ही उतर करके कुछ कदम हम आगे तेज चलते हैं। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस हालांकि शरीर कर लेता है, जो फॉलो नहीं करते गिर जाते हैं, बस में पीछे की तरफ मुँह करके उतरे तो हम गिर जाएंगे। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसके रीजन है, इसके एक्सप्लेनेशन है, ये क्वेश्चन भी है, पूछता है कि यह क्यों ऐसा होता है, तो ड्यू टू इनर्शिया कहेंगे, ये शब्द आना चाहिए इनर्शिया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं, बहुत यूज है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का जो हम फार्मूला देखते हैं एफ इक्वल टू MV-U/T, ये नीचे क्या है, इस फार्मूले में नीचे है टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टी टाइम, किसी भी रेशनल नंबर में पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि यह जो है इस क्वेश्चन को कि टी को हम बढ़ाएंगे तो इस रेशनल नंबर इस भिन्न का वैल्यू बढ़ जाएगा तो फोर्स बढ़ा हुआ माना जाएगा, टी का वैल्यू कम होगा तो फोर्स जो है ज़्यादा होगा। तो टी को अगर हम कम अधिक करते हैं तो फोर्स कम अधिक होता है, तो इसका क्या यूज है, इसका यूज हम दिखाते हैं। इसका यूज है जब ये फील्डर पुल्स हिज हैंड ग्रेजुअली क्या
विद मूविंग बॉल ड्यूरिंग द होल्डिंग द कैच, एक फील्डर कैच को पकड़ते समय अपने हाथ को ग्रेजुअली बॉल के साथ आगे पीछे लाता है, पीछे लाता है, क्यों लाता है, वो तो हाथ को टाइट रख करके अगर रोकेगा तो यह टाइम टी बढ़ जाएगी, टाइम टी कम हो जाएगी। कम समय में बॉल को रोकना डेंजरस है, क्योंकि टाइम टी कम होते ही फोर्स ज़्यादा लगेगा, हाथ में चोट लग जाएगी। तो टी को बढ़ाने के लिए, हालांकि उस फार्मूले का वो जानबूझ कर नहीं यूज करता है, वह ऑटोमेटिक ऐसा करके अनुभव द्वारा वो देख चुका है कि अगर टाइम टी को हम कम टाइम में अगर आती हुई तेज बॉल को रोकते हैं तो हमारे हाथ में फोर्स ज़्यादा लगेगा, क्योंकि फोर्स जो है टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम कम करेंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, हाथ में चोट लग जाएगी। इसी तरह से ए बॉक्सर मूव हिज हैंड बैकवर्ड टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द ऑनकमिंग पंच, जब बॉक्सर पंच देखता है तो पंच जब हम एक दूसरे पर लगाते हैं तो पंच जब उसके ऊपर आता है तो वो पीछे हटता है, पंच को अगर रुक करके पंच को तो रोकता है, पंच को झेलता है, पंच को अब मुकाबला करता है, लेकिन अपने हाथ या शरीर को पीछे भी पंच के साथ करता है ताकि उसके शरीर पर चोट कम लगे, क्योंकि टी बढ़ाएगा, पीछे हम टी बढ़ाएंगे रोकते हुए, टच होते ही हम उसको तुरंत न रोकेंगे, पंच को हम तुरंत कम टाइम में से एक सेकंडों में रोक दे तो चोट ज़्यादा लगेगा, तो हम उसके टी को बढ़ाने के लिए अपने शरीर को या हाथ को पीछे खींचते हैं ताकि चोट कम लगे। तो ये हमारा सेकंड लॉ का यूज आएगा। अभी वर्कशीट में पूछेगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन के दो यूज लिखो, तो ऐसे बहुत सारे यूज हैं। तीसरी लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के यूज हम देखते हैं, थर्ड लॉ एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसके तो बहुत हैं, चिड़िया आकाश में क्यों उड़ती है, वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, हालांकि उसको मोशन से कोई लेना देना नहीं है। चिड़िया क्या करती है, पंख को जब नीचे दबाती है, हवा को नीचे प्रेस करती है तो हवा उसको क्या करता है, ऊपर उठाता है, तो चिड़िया ऊपर उठती है, हवा को पीछे ढकेलती है तो चिड़िया आगे जलती है। एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वही रिएक्शन उसको आगे ले जाता है, चिड़िया तो बल पीछे लगाती है लेकिन जाती है आगे, ये देखो कैसी बातें हैं, जाना है आगे बल पीछे लगाते हैं, घोड़े को सड़क पर दौड़ना है आगे या घोड़ा जमीन को पीछे दबाता है, ऐसा क्यों होता है, घोड़ा को दौड़ता है या हम जमीन पर दौड़ते हैं तो क्या करते हैं, हम जमीन को पीछे फोर्स लगाते हैं और जाते हैं आगे, कैसे कैसे कंट्राडिक्शन है, आ जाना है आगे फोर्स पीछे लगाते हैं, पैरों से हम जमीन को दबाते हैं, जमीन हमारे पैर को रिएक्शन देती है और यह रिएक्शन हमें, क्योंकि हम पैर से जमीन को दबाते हैं तो जो धरती है अर्थ है वो तो मूव कर नहीं सकती है हमारे फोर्स लगाने से, तो हम ही मूव कर जाते हैं आगे, घोड़ा फोर्स लगाता है जमीन पर, घोड़ा जमीन को पीछे ढकेल नहीं सकता तो जब खुद आगे बढ़ जाता है, तो ये लॉ ऑफ मोशन है। जब हम तैरते हैं तो पानी को पीछे ढकेलते हैं तो आगे बढ़ते हैं, तो इवन रिएक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के यूज हैं। वर्कशीट के क्वेश्चनों पर आते हैं, पहले क्वेश्चन में पूछा गया था वन न्यूटन फोर्स क्या है, तो हम फार्मूला अगर देखो, फार्मूले से हम इसको डिराइव कर लेंगे, फार्मूला यह बराबर यम इन टू ए, अगर यम मास यम का वैल्यू 1 रखे, 1 केजी, ए का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड, तो हमारा फोर्स होगा 1 केजी 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 न्यूटन, तो इसी के आधार पर हम डिफाइन कर देंगे 1 न्यूटन फोर्स। 1 न्यूटन फोर्स क्या है, 1 न्यूटन इज अ फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ द मास 1 केजी, यानी 1 केजी बॉडी में अगर कोई फोर्स 1 मीटर पर सेकंड का एक्सीलरेशन पैदा कर दे, प्रोड्यूस कर दे, तो हम कहेंगे उस पर लगने वाला फोर्स 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन 1 मीटर पर स्क्वायर का उस पर लग जाए, 1 न्यूटन 1 केजी से 1 न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर का एक्सीलरेशन पैदा हो जाए तो वह 1 न्यूटन फोर्स होता है। तो ये डिफिनेशन ऊपर भी दिया गया है, हम ये डिफाइन करेंगे, फार्मूले से आया है, यूनिट इसका न्यूटन होता है। मोमेंटम, दूसरा क्वेश्चन पूछता है मोमेंटम क्या है, मोमेंटम पी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं, वर्कशीट से देखते हैं, वर्कशीट में क्या पूछा है, वर्कशीट में है व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स, तो एसआई यूनिट क्या है मोमेंटम एंड फोर्स का, तो मोमेंटम के फार्मूले से हम, फोर्स का तो देखें न्यूटन है या किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, मोमेंटम का फार्मूला है पी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास का लिख लें केजी, वेलोसिटी का लिखें मीटर पर सेकंड, तो हमारा मोमेंटम के यूनिट केजी मीटर पर सेकंड, ये कैसी यूनिट है, एसआई, ठीक है, एसआई यूनिट बोलता है
तो ये दूसरे क्वेश्चन का जवाब हो गया। ऐसे तीसरा क्वेश्चन उसमें है, थ्री लॉ ऑफ मोशन के मोशन है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया उसके यूज शायद पूछ रहा है। देखते हैं फिर क्वेश्चन को हम देखें वर्कशीट में। स्टेट थ्री लॉ ऑफ मोशन, तो ये स्टेट तो हम बता दिए, स्टेट थ्री लॉ ऑफ मोशन क्या है ये तो आसानी से हम लिख सकते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऊपर लिखा गया है, अभी बता भी दिए। अब चौथे क्वेश्चन में बताए राइट टू अप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के वही जमीन पर चलने के लिए हम पीछे फोर लगाते आगे करते आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बॉक्सर जो है अपने पंच को पीछे खींचता है जो चोट को झेलने के लिए, फील्डर कैच को पकड़ने के लिए टाइम बढ़ाता है, और जो हाथ को ग्रेजुअली पीछे लाता है, तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज लिख सकते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का हमने बता दिया वर्क। अच्छा इसके साथ साथ और क्वेश्चन पर देखते हैं, सेकंड लॉ थर्ड लॉ हो गया, थर्ड लॉ फॉर एवरी एक्शन दे रहे जो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ देखो थर्ड लॉ में एक आदमी किसी किसी वेट को धक्का दे रहा है, तो जितनी फोर्स आगे लगाएगा उतने फोर्स पीछे पीछे जाएगा, लेकिन इसमें आगे बढ़ेगा कौन, जो अगर अगर ये आदमी जो है ताकतवर है तो, और ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ लूज है तो ये आगे खिसक जाएगी, ठीक है ना। अगर ये लूज मान लो ये दीवार हो जमीन में गड़ी हुई हो, तो ये आदमी कितना हो ताकतवर फोर्स लगाते रह जाने जाएगी, क्योंकि यही कोई खुद पीछे गिरने की पोजिशन में आ जाएगा। तो एवरी एक्शन दे रहे जो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगता है उतना ही है, जितना हम फोर्स लगाते हैं रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अब है अगला, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया। क्वेश्चन नंबर चार, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेशन क्या है, तो वो तो हम दिखा दिया, पुश एक और भी एप्लीकेशन यहाँ अलग से हमने लिखा है, टू पुश वैकेंट आर हैवियर कार, किसी कार को से कार को देखो यहाँ पे फार्मूले से देखो, किसी खाली कार को ढकेलना, वैकेंट कार अथवा हैवियर कार को ढकेलना हम कैसे पर डिपेंड करते हैं, हम जानते हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास, मास जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। जितनी तेज हमको स्पीड एक्सीलरेशन लाना है उतनी ज़्यादा, यानी एक्सीलरेशन मास फोर्स एक्सीलरेशन बढ़ाने के लिए हमको फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कार में एक्सीलरेशन आ जाए तो हमको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, अगर मास ज़्यादा है तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना, हैवियर को धक्का देने के लिए पुश करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये कहाँ से आ रहा है, ये फार्मूले को दे करके, फार्मूला प्रोपोर्शनल टू जम, फार्मूला मास के प्रोपोर्शनल है, मास बढ़ ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगाओ भाई, एक्सीलरेशन ज़्यादा चाहिए तो फोर्स ज़्यादा लगाओ, ठीक है ना। ऐसे किक टू फुटबॉल को किक करता है कोई प्लेयर, किक करता है, अगर ज़्यादा एक्सीलरेशन देना है इसको, में ज़्यादा स्पीड लानी है तो फोर्स ज़्यादा लगा दो, ज़्यादा एक्सीलरेशन देना है तो इधर से फोर्स ज़्यादा तेज किक करो तो ए का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए, एक्सीलरेट करना है ज़्यादा तो ज़्यादा फोर्स लगाओ, ये सब जानते हैं, लेकिन फार्मूले यहाँ पर देखा जाए तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला लगता है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ए। अगर ये हैवी लोड है तो भी ज़्यादा फोर्स, मान लो ये पत्थर का टुकड़ा हो तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, पैर में चोट भी लग सकती है। तो इस तरह से ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज है, किसी कार को धक्का देना, देखो यहाँ एक आदमी धक्का दे रहा है, खाली है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, हैवी है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इनर्शिया, तो क्वेश्चन नंबर पाँच है, डिफाइन द इनर्शिया, तो इनर्शिया क्या है, इट इज़ ए टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट अथवा यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया एक ऐसी टेंडेंसी है, ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसी एबिलिटी है किसी बॉडी वस्तु की जो अपने अपने स्टेट का, रेस्ट पोजीशन का अथवा यूनिफॉर्म मोशन का विरोध करती है। अगर कोई रेस्ट में है तो ढकेलेंगे तो वह इनर्शिया के ड्यू टू खिसकना नहीं चाहेगी, मोशन में है तो रोकेंगे तो इनर्शिया के ड्यू टू रुकना नहीं चाहेगा। तो इसलिए कहते हैं इनर्शिया जो टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया इज मेजरेबल, इनर्शिया को किस में मेजर करते हैं, मास में, इसी इनर्शिया को ही मेजरमेंट मास, यानी मास इज ए मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये इतनी सारी बातें थी, इसमें लॉ ऑफ मोमेंटम भी था हमारा, इसमें और देखो वर्कशीट में लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन हमने दिखाया कि यमोन ये भी था, ये फार्मूले भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सब चीज़ समराइज है, इसको फार्मूले को याद कर लेना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी था, मेन है न्यूटन के थर्ड लॉ सेकंड लॉ पर पूछता है क्वेश्चन, जिसका रीजन बताओ, गिव द रीजन,
बसों के छत पर पर ड्राइवर जो है बसों के लगेज को बांधना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बस अचानक चलेगी, लगेज में वेट होता है, तो अगर बांधा नहीं रहेगा तो ड्यू टू इनर्सिया पीछे गिर जाएगा। इसलिए बसों को बांधना ज़रूरी होता है कि बस जब रुके तो हमारी लगेज भी रुका रहे, बस चले चले तो लगेज भी चले, क्योंकि उसमें ड्यू टू इनर्सिया रुका है तो रुकना चाहेगा, चलता है तो चलता ही रहना चाहेगा, वो गिर जाए, गिरने का डर होता है, इसलिए हम बांधते हैं। तो ये बहुत सारी यूज हैं दैनिक जीवन में। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के यूज है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के यूज है, फर्स्ट लॉ इनर्सिया का तो यूज है ही। तो ये तमाम एप्लीकेशन है जिनके पूछता है तो हमको रीजन देना होता है कि इनर्सिया के ड्यू टू रुका यह रीजन है, अथवा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का रीजन है, अथवा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब हम बंदूक से कोई गोली का फायर करते हैं तो हमें पीछे क्यों धक्का लगता है, गिव द रीजन, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार जितना फोर्स आगे करेगा उतना एग्जर्ट पीछे लगेगा, ठीक है ना। या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ड्यू टू ये एक बुलेट की गोली आगे बढ़ती है और उसी मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए पीछे बढ़ता है, और बंदूक की बॉडी हैवी होती है तो इसलिए इसकी वेलोसिटी कम होती है, कम झटके लगते हैं। तो ये तमाम तरह के यूज हैं। तो यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के दृष्टि से, एक एक नंबर के यूनिट भी आ जाते हैं, रीजन भी पूछते हैं है, और डिफिनेशन भी पूछते हैं, वन न्यूटन क्या है, ये सब फार्मूले। तो ये सारे फार्मूले को रिवाइज कर लेना, और ये वर्कशीट बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बशर्ते कि यह रिवीजन कर लें, हम इसको दिमाग में कंसेप्ट बैठा लें सारी चीज़ें हम। और इस पिछले वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं डिटेल में, तो हम यहाँ डिटेल में नहीं जाते हैं, बस आप जो है इसको रिवीजन कर लें, आने वाले पेपरों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के दृश्य भी, परीक्षा के भी दृश्य भी, आने वाले क्लासों में, हायर क्लासों में, इस शुरुआत इसकी यहीं से होती है। तो इसलिए इसका काफ़ी यूज है, तो इसको आप रिवीजन करें, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।